दोस्तों, ये दो भाइयों की कहानी है, आइए सुनते हैं। दो भाइयों की कहानी जिनके बीच में बहुत प्रेम था बचपन से। दोनों की शादी हो गई थी लेकिन कभी भी कोई मन मुटाव नहीं हुआ। घर में बहुत अच्छा तालमेल था दोनों के बीच में। एक दिन अचानक किसी बात में झगड़ा हो गया। छोटे भाई ने बड़े भाई को अपशब्द कह दिया, उल्टा सीधा कह दिया, जिससे बड़े भाई के सम्मान में ठेस पहुंची। दोनों भाई अलग हो गए। कभी मार्केट में दिख भी जाते थे ना, तो दोनों ऐसे इग्नोर करते थे जैसे भाई है ही नहीं। काफी समय बीत गया, 8-10 साल बाद को हो गए। छोटे भाई की बेटी की शादी जो है वो फिक्स हो गई, रिश्ता तय हो गया। तो बड़े भाई को मनाने के लिए छोटा भाई गया। भैया माफ कर दीजिए, आइएगा जरूर, आपको ही सारा काम संभालना है। लेकिन बड़े भाई ने ध्यान नहीं दिया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों भाइयों के बीच में एक बात कॉमन थी, वह एक ही महात्मा को मानते थे, प्रवचन सुनने जाया करते थे। छोटा भाई गया प्रवचन सुनने तो महात्मा जी समझ गए कि आज भक्त उदास है, और उन्होंने पूछा तो छोटे भाई ने बताया, भैया सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, माफी मांग रहा हूँ, माफ भी नहीं कर रहे। अगले दिन बड़ा भाई गया तो महात्मा जी ने पूछा, तुम्हारे भाई की बेटी की शादी है? उसने कहा हाँ। महात्मा जी कहा, तुम जाओगे? भाई बोला नहीं, उसने मेरा अपमान किया, मुझे अपशब्द बोले। 10 साल पुरानी बात एक एक बात बता दी महात्मा जी को। महात्मा जी ने कहा, एक बात बताओ, कल तुम प्रवचन सुनने आए तो हो गए? बोले हाँ। तो बोले मैंने क्या कहा था? बड़े भाई ने बहुत दिमाग पर जोर डाला लेकिन कल की बात प्रवचन की उसको याद नहीं आ रही थी। महात्मा जी ने कहा, एक दिन पहले की अच्छी बात बताई वो तुम्हें याद नहीं, और 10 साल पहले की बुरी घटना हुई उसको शब्द शब्द एक एक शब्द आप बात याद कर रखी है। महात्मा जी बोले, वर्ड बाय वर्ड भूलने वाली सारी बातें याद रखोगे तो जीवन भर विवाद करोगे, इसलिए भूल जाइए और आगे बढ़ जाइए। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे साथ बुरी घटना घटित हुई हो, अगर हम उसी को याद करके रखेंगे, जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा अपनों से बड़े का सम्मान करें, और याद रखें, दुनिया में भाई से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं, बहुत ही खुशनसीब होते हैं वह जिनके पास भाई होता है, बहुत ही खुशनसीब होते हैं वह जिनके पास भाई होता है। चाहे कोई भी मुश्किल हो लेकिन भाई हमेशा साथ रहता है। दिल के जज्बात बड़े हो जाते हैं जब भाई मुसीबतों के आगे खड़े हो जाते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, हमेशा अपने भाई की इज्जत और सम्मान करें, क्योंकि बड़ा भाई पिता के बाद छोटे भाई का पिता ही होता है। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करें। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, जल्द मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।